नए बच्चे इसके बारे में नहीं जानते। हिंदुस्तान के इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वार में हवलदार उमराव सिंह, जो कि झज्जर के पास पलड़ा गांव के रहने वाले थे, उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। कैप्टन उमराव सिंह, उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। और आज आजाद हिंदुस्तान में परमवीर चक्र के बराबर उसकी उपाधि। जिस समय उनका अंतिम संस्कार हुआ तो आर्मी के चीफ उनके गांव में गए थे और उन्होंने 5 साल तक उस गांव से 25-25 बच्चों की भक्ति मंजूरी दी थी। लेकिन भी गौरव की बात है, मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा युवा साथी को बारे में उनके बारे में सुना नहीं होगा। ऐसे ही 1862 और 1884 के जो पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसमें प्रसिद्ध पारंपरिक राजा चकवा बैंड, नाम सुना होगा बुजुर्गों ने, वो अहीर जाति का था। जिस भी जाति को अपने गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। जिसने उत्तर भारत के कई इलाकों पर शासन किया था, अलीगढ़ जिले के सिकंदरा परगना में स्थित कोयल में सुमरा नामक अहीर राजा का शासन था। हिंदू अहीर भारती मैनपुरी का शासक था। भारती मैनपुरी के छिद्दू सिंह अहीर को ब्रिटिश शासन काल में 4 तोपों और 10,000 सैनिक सेना का अधिकार प्राप्त था। नारायण सिंह अहीर राम धनी एटा, ये यहाँ के राजा थे। एटा जनपद की भूमि व्यवस्थापन रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश शासन काल में आवा के राजा पृथ्वी सिंह व रूप धनी के नारायण सिंह सबसे वृद्ध क्षेत्रों के व्यक्तिगत मालिक थे। बदना अहीर हमीरपुर के राजा थे। एक लोक कथा के अनुसार हमीरपुर की स्थापना राजपूत राजा हमीर देव ने की थी, जिसने अलवर से भागकर बदना नामक अहीर के यहाँ शरण ली थी। बाद में हमीर देव ने बदना अहीर को निष्कासित करके हमीरपुर में किले का निर्माण किया। बदना का नाम पड़ोस के गांव बदनपुर के रूप में अब भी जीवित है, जहाँ एक प्राचीन खंडहर भी विद्यमान है। उत्तर प्रदेश गजेटियर पीलीभीत के अनुसार अमर सिंह नामक अहीर राजा ने पीलीभीत के इलाकों पर राज किया था। इस इलाके को इसके राजा अमर सिंह के नाम पर अमरिया नाम से जाना जाता है। हरिचंद यादव जौनपुर के इतिहास में लिखा है कि हिंदू शासन काल में जौनपुर पर अहीर राजाओं का शासन था। हरिचंद यादव जौनपुर का पहला अहीर शासक था। इस वंश के शासक अहीर उपनाम का प्रयोग किया करते थे। गोपालपुर में चंदवाक व गोपालपुर में अहीरों ने दुर्ग का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि चौकिया देवी के मंदिर का निर्माण कुलदेवी के रूप में अहीरों द्वारा किया गया। वीर शिवाजी, जिसका नाम हम में से हर एक बच्चे बच्चे की जुबान पर है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वीर शिवाजी की माता अहीर औरत है। जीजाबाई अहीर पिता की पुत्री थी, जिसने शिवाजी को जन्म दिया और शिवाजी का पालन पोषण किया। और शिवाजी ने उस समय में मुगलों की सत्ता को चुनौती देकर पूरे दक्षिण भारत में मराठों की सत्ता कायम की। जब तक मराठों का शासन रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई अब वो दक्षिण भारत की तरफ आंख उठा के देख सके। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, आप लोगों ने ये जो गायक होते हैं उसमें नाम अलाउ रुद्र का सुना होगा, जो बुजुर्ग है वो जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इनकी अलाउ रुद्र की माँ ग्वालियर के अहीर राजा दलपत की पुत्री थी। और इनकी शादी वैसे नहीं हुई थी, वहाँ का राजा एक बार जंगल में जा रहा था तो दो भैंसे आपस में लड़ रहे थे, तो इन दोनों लड़कियों ने उनके कान पकड़ के उनको अलग किया था। तो उस राजा ने सोचा कि ये लड़कियाँ कितनी ताकतवर है, वो वैसे तो उनके पाले हुए थे। तो अहीर जो है इनका पशुपालन पेशा शुरू से होता आया है, बाद में उसने इनकी शादी
जसराज और बसराज से कराई, जिसके पुत्र आला और उद्दल थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में 52 गढ़ को जीत कर एक मिसाल कायम की थी। और किसी भी राजा को इन्होंने छोड़ा नहीं था, उसकी लड़की की शादी करके अपने घर ले आए। और राजा जो थे वो इनको अछूत मानते थे, और लेकिन इन्होंने अपनी तलवार के दम पर, अपनी हिम्मत के दम पर हिंदुस्तान में वो मिसाल कायम की थी। वैसी मिसाल आज तक हिंदुस्तान में कहीं भी कायम नहीं हुई।